दोस्तों एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 100% यहां से एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मात्र एक क्लिक में। जी हां दोस्तों, एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है 2000, आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको किन किन स्टेप को फॉलो करने होंगे आज की इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो चलिए लाइव प्रूफ एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लीजिए। यदि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है, लिखना है MAURYAHELP.com, थोड़ा स्पेस देकर COM, ठीक है, यानी कि टोटल मौर्या हेल्प .com लिखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखें थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है, स्पेस दे दीजिएगा। इसमें देखिए इसमें गैप होता है थोड़ा ना, तो ठीक रहता है। अब ये जो है सर्च कर दीजिएगा, जैसे सर्च करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और फर्स्ट पेज पर ही आपको देखने को मिलेगा मौर्या हेल्प .com, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, आप आ जाएंगे सीधी वेबसाइट पर। दोस्तों इस वेबसाइट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपको यहां पर 3 डॉट का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर 3 डॉट का जो ब्लू में ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा और यहां पर होम का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहां पर आना है 3 डॉट के ऑप्शन पर, ठीक है। अब यहां पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है, डेस्कटॉप साइड देख लेना है कहां पर है। यहां पर देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूरा पेज डेस्कटॉप साइट में हो जाएगा। अब यहां पर आने के बाद देखिए एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ से रिजल्ट, एडमिशन, स्कॉलरशिप, एडमिट कार्ड, आंसर की, बोर्ड अपडेट, सरकारी योजना, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना है और एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखना है कहाँ पर है। एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर है और यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड जो है यहाँ से जारी हुआ है। और अगर आप लोग जैसे कि मान लीजिए जो स्टूडेंट्स आपके दोस्त मित्र हैं एचएसएससी सीईटी का यानी कि हरियाणा सीईटी का रिजल्ट चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई मित्र एसबीआई क्लर्क वाले हैं रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम बात करने वाले एसएससी जीडी एडमिट कार्ड का। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है एसएससी जीडी एडमिट कार्ड पर। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखी गई सभी जानकारी पढ़ लेना है, यहाँ पर लिखी गई सभी आर्टिकल को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जरूरी है पढ़ना, क्योंकि पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोटिफिकेशन है जो कि आपको जानना काफ़ी बेहद है, ठीक है। अगर एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स जानना चाहते तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि अगर आपके कोई भाई दोस्त हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स मैट्रिक इंटर के, तो यहाँ से आप लोग जो है सेकेंड चैनल को ज्वाइन कर ले सकते हैं। इस पर ऑल बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अब नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पर देखिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है एसएससी जीडी का, चलिए जान लेते हैं। उससे पहले मैं यहां पर दिखा देता हूं लिंक को, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं यूजफुल लिंक यानी कि सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ये तीनों लिंक है, किसी पर भी क्लिक करके आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पर अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो यहां पर देखिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रखा हूं। तो देखिए यहां पर क्या बता रहा है, एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2023 का कैसे डाउनलोड करें। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सभी स्टेप को पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें बताया गया है वेबसाइट पर कैसे आना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या भरना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या दर्ज करना है और फोर्थ स्टेप में आपको कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है। तो सारी जानकारी यहाँ पर बता रखा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद लिंक पर क्लिक करिएगा, आसानी से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।